हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन गर्ल्स सादिया में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी जो पीछे आपने क्लिप्स देखी ना, वो जो क्लिप्स थी वो 2018 मिंजर फेस्टिवल की थी। उसको देख के मज़ा आया ना, मुझे भी आया और यादें भी बहुत सारी ताज़ा हो गई अपने बचपन की, और आप सबकी भी यादें ताज़ा हुई होगी। मुझे पता है जो भी मेरे चंबा के दोस्त लोग हैं जो भी मिंजर देखते थे, और जो भी बाहर से लोग मिंजर देखने आते थे स्पेशली, यू नो, बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब इस बार जो है वो मिंजर नहीं हुई, मतलब 2 सालों से नहीं हो रही है। बट यार क्या कर सकते हैं, सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपना हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब सब ठीक हो जाएगा तो मिंजर तो ज़रूर हम मनाएंगे ही। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा चंबा शहर जो है लग रहा है। दोस्तों यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी पहली बार चैनल पे आए, प्लीज़ एक सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक तो ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। वाह भाई, क्या खूबसूरत चौगान लग रहा है यहाँ से। बेसिकली इसको चौगान कहते हैं। और गाइस, यहाँ पे ना मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि घर पे काम लगा है ऊपरी वाली बिल्डिंग का, और पीछे से थोड़ी सी साउंड आपको आ रही होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो क्लिप है ना गाइज, ये है 26 जुलाई की। 26 जुलाई को जो है मैंने वीडियो शूट किया था। एक्सप्लोरिंग चंबा की भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लेना। और यहाँ से जो है ना, अभी पूरा चौगान जो है 360 व्यू में दिखता है ना, और क्या ही बोले, माशाल्लाह इतना खूबसूरत यहाँ से दिखता है। और यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर तरीके से जो है अभी ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखी बनाई हुई हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो हैं चीज़ें मिंजर के दौरान जो होता है ना, पूरा चौगान जो है भर जाता था, मेले वाला फील होता था, यू नो, बच्चे बुज़ुर्ग सभी लोग जो है वो आते थे, और कहते थे ना जिंदों का मेला होता है, मतलब जिंदा लोगों का मेला होता है। तो उसी मान्यता के साथ जो है हम लोग मिंजर मनाते थे, और आई है छल्ली देख के तो मुँह में पानी आ ही गया। तो स्पेशली जो है मिंजर से रिलेटेड बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, क्योंकि आउट ऑफ हिमाचल और आउट ऑफ चंबा भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त लोग हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक मान्यता के अनुसार 10वीं शताब्दी में रावी नदी चंबा नगर में बहती थी, और उसके दाएं ओर चंपावती मंदिर एवं बाएं छोर पर हरिराय मंदिर स्थित था। उसी समय चंपावती मंदिर में एक संत रहे, जो हर सुबह नदी पार कर हरिराय मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। अब चंबा के राजा और नगरवासियों ने संत से हरिराय मंदिर के दर्शनार्थ कोई उपाय तलाशने का निवेदन किया। तब संत ने राजा और प्रजा को चंपावती मंदिर में एकत्रित होने के लिए कहा, और बनारस के ब्राह्मणों की सहायता से एक यज्ञ का आयोजन किया जो 7 दिन तक चला। ब्राह्मणों ने 7 विभिन्न रंगों की एक ऐसी रस्सी बनाई जिसे मिंजर का नाम दिया गया। जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो रावी नदी ने अपना पथ बदल लिया और हरिराय मंदिर के दर्शन संभव हुए। एक अन्य मान्यता के अनुसार, जब चंबा के राजा साहिल वर्मन ने कांगड़ा के राजा को पराजित किया तो उनका नलोहरा पुल पर लोगों द्वारा मक्की की मिंजर के साथ भव्य स्वागत किया गया और मिंजर मेले की शुरुआत हुई। और दोस्तों इसी के साथ एक और मान्यता ये है कि बहुत से लोगों का मानना है कि यह त्यौहार वरुण देवता के सम्मान में मनाया जाता है। हे गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं चंबा में, एंड चंबा में आप व्यू देख सकते हैं कितना ही मस्त व्यू है। एंड वो यूँ है कि चंबा में मिंजर स्टार्ट है, और यहाँ पे जो है मिंजर बांधना जो है वो परंपरा होती है। 1934 से जो है वो चंबा में मिंजर फेस्टिवल जो वो मनाया जा रहा है दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये देख सकते हैं पीछे ये वाला स्टेज है, हमारे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते थे, जो भी हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स होते थे, वो यहीं पे होते थे बेसिकली। तो अभी जो है एज सच कोई भी प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं ड्यू टू कोविड। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको मैं थोड़ा सा चौगान दिखाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चंबा व्लॉग जो बना के रखा है, जिसने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा उसको। तो अभी चलिए थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ के, एंड जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक बार बता देती हूँ। टुडे इज 26th of July, एंड आज से जो है वो मिंजर फेस्टिवल चंबा में स्टार्ट हो गया गाइज। बट एज यू गाइज कैन सी, यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं है ड्यू टू कोविड। तो अभी जो है हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरिंग चंबा मैं आपको बताऊँगी। एंड शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरे साथ आई है। एंड गाइज आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। एंड यस गाइज, मैंने जो है ना वो शादी चंबा मैरिज वाली जो वीडियो है वो डिलीट कर दी थी,
उसका रीज़न ये था कि जिन लोगों की शादी की हमने वीडियो बनाई थी, दे आर वेरी यू नो ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ पीपल, सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कलेश कर दिया था, तो मुझे लगा कि आई शुड डिलीट दोज पिक्चर्स एंड वीडियोज। बेसिकली गाइज, जब हम बचपन में यहाँ पे मिंजर वगैरह जो सेलिब्रेट करते थे ना, उस वक्त पे क्या होता था, ये पूरा जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे डूम्स एंड ऑल ये सब चीज़ें बनी होती थी, बट अभी जो है ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा है कोरोना की वजह से जो है सब चीज़ें कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा है। सो दैट्स वाई अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं थोड़ा बहुत ही पीछे वाला व्यू जो है वो दिखा रही हूँ, क्योंकि लोग बैठे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है अभी कि छोटे जो बेबीज होते हैं उनको चौगान में लाना जो अलाउड नहीं किया हुआ है, बट फिर भी लोग जो है वो बेबीज एंड ऑल ये सबको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। सो एज यू गाइज कैन सी कितना सारा क्राउड है मेरे पीछे, वो भी इसी वजह से है कि लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के वैसे भी इंजॉय करते हैं, पहले भी करते थे, तो डजेंट मैटर कि अभी मिंजर है, बट सीरियसली मिंजर का कोई भी यहाँ पे नहीं है ऐसा कि मतलब कुछ शॉप्स हो और ऐसा कुछ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी एक्चुअल में होता ही है। सोया तो अभी जो है गाइज, ये आप मेरे पीछे स्टेज देख रहे हैं ना, यहाँ पे शाम को जो है वो इवेंट्स वगैरह जो हो ही रहे हैं उसका तो खैर कुछ नहीं है, बट लाइव आप देख सकते हैं, चंबा के बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे आप देख सकते हैं, एंड मैं भी आपको दिन में दिखा ही रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना एंड शेयर भी ज़रूर करना।